नमस्कार, मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम खड़े हैं सेक्टर 125 में, अगेन सन इनक्लेव जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे आज हम आए हैं। 100 गज प्लस की एक कोठी है, बिल्कुल नई बिल्डअप है, उसको आज शूट करने आए हैं। ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, पीछे आप देख रहे हैं घर काफ़ी बने हुए हैं, सारी गली में ऑलरेडी पोजेशन हो चुकी है, घर यहाँ पर आ चुके हैं। काफ़ी पीसफुल एरिया है, काफ़ी स्टैंडर्ड वाला एरिया आप कह सकते हैं यहाँ पर। और जो कोठी हम जा रहे हैं देखने जा रहे हैं, आज आपको दिखाने जा रहे हैं, वो उसकी एलिवेशन भी बहुत शानदार है। और इस कोठी के बारे में हमें सारी जो डिटेल में बातें बताएंगे मिस्टर रविंदर सिंह। मेरा नाम भी रविंदर सिंह जी है। और रविंदर सिंह जी नमस्कार जी। नमस्कार। रविंदर सिंह जी आज हमारे साथ हैं और ये हम आज हमें इस कोठी के बारे में डिटेल में बताएंगे कि इस कोठी में क्या क्या फ़ीचर हैं, इसका साइज़ क्या है। सबसे पहले तो सर, इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ सर 1850 है। 18 फीट इसका फ्रंट है और 50 फीट इसकी लेंथ। टोटल स्क्वायर गज कितने हैं? 100 स्क्वायर यार्ड की कोठी है। 100 स्क्वायर यार्ड की कोठी है। ट्रिपल स्टोरी है। 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे है, 1 BHK फर्स्ट फ्लोर पे है। और अंदर ही पार्किंग की जगह दे रखी है। आइए, हम एक छोटी सी गाड़ी अंदर लग सकती है, एक स्मॉल गाड़ी, अगर ऑल्टो है, मारुति है, इवन के i20 भी यहाँ पे आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस कोठी की सीढ़ियाँ जो बाहर से दी गई हैं, अगर आप कोठी का फर्स्ट फ्लोर रेंट आउट करना चाहते हो तो वो इजी रहेगा। और इसके अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक 7 सीटर जो सोफा सेट लगा हुआ है, इसको एल शेप में लगाया गया है ताकि बाहर से आने वाला यहीं पे ही गेस्ट जो है वो बैठ सके। और बहुत सुंदर यहाँ पे सोफा लगाया और ऊपर फॉल सीलिंग भी ड्राइंग रूम में कर रखी है। अब जो इसका जो ये कॉमन एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है और बाहर एंट्री पे ही एक बेडरूम है। आइए हम इस बेडरूम के बारे में जानते हैं। बेडरूम का साइज क्या है रविंदर जी? 11x11x10। 11.5x10 फिट इंटरनल फुल लेंथ की कवर है। स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम रहेगी, ऊपर पूरी स्टोरेज, आप जितना मर्जी घर का जो सामान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। फॉल सीलिंग है, बेड यहाँ पे लगा हुआ है, LED पैनल जो आज बहुत एक ज़रूरी चीज़ बन गई हर घर के लिए कि LED पैनल होना चाहिए, तो LED पैनल नो डाउट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सुंदर करा हुआ है, लाइट कलर करा हुआ ताकि आपको मैक्सिमम लाइट फील हो कमरे में। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, ये गेस्ट के लिए भी वॉशरूम यूज़ किया जा सकता है। अभी इसमें सीट्स इसलिए लगाई गई कि जैसे ही इसका आप इसको आके पसंद करोगे, उसके बाद इसको टोकन दोगे, तो आप ये जो इंटरनल फिटिंग है, जो वॉशरूम है, इसके जो अंदर सीट्स हैं, वॉश बेसिन है, वो सारा आपकी ऑन डिमांड आपके हिसाब से लगा देंगे। किचन की बात रविंदर जी, किचन के बारे में आप बताइए, किचन में क्या क्या है सर? किचन सर मॉडुलर किचन दी गई है, प्रॉपर इसमें ड्रॉर्स वगैरह लगाए गए हैं, ड्रॉर्स वगैरह सो है, बहुत बढ़िया है, कवर्स है, और यहाँ पे चिमनी की प्रोविजन दे रखी है। ये टू साइड ओपन है और वेंटिलेशन पीछे भी देती है ताकि किचन का जो धुआं वगैरह है वो पीछे जाएगा। और यहीं से ही हम यहाँ से किचन से ही ये बाहर का एरिया है जहाँ वॉशिंग मशीन के लिए दे दिया है। जैसे घर की लेडीज होती हैं वो किचन में काम करती हैं, साथ में कपड़े भी धोने होते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल किचन के साथ ही वॉशिंग एरिया दे दिया है और पीछे से पूरी वेंटिलेशन आ रही है। किचन में जो धुआं है वो पीछे से ही बाहर जाएगा जो चिमनी के थ्रू, और पीछे से पूरी वेंटिलेशन किचन में रहेगी। दिन के टाइम में किचन में लाइट की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वैसे यहाँ पे लाइट लगी हुई है। और दूसरा जो बेडरूम है, यहीं से उसका रास्ता है, इसको थोड़ा सा टेढ़े तरीके से इसको इन्होंने गेट दिया हुआ है। ये भी ऑलमोस्ट 11x11 तक तैयार है, साढ़े दस बाई ग्यारह का। इसमें भी फुल लेंथ हाइट पे कार्डबोर्ड दिए गए हैं, हॉल सीलिंग है, LCD पैनल दिया गया, हॉल सीलिंग है और लाइट्स वगैरह कंप्लीट है। अटैच इसके साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्रॉपर AC फिटिंग। इसकी बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो यहाँ की जो चुगाड़ जिसको बोलते हैं, आजकल वो लोहे की चलती हैं पर इसमें वुड की लगी हुई है, तो वुड की जो है वो कॉस्टली होती है और इसकी फिनिशिंग भी ज़्यादा होती है नॉर्मल। तो ये 2 बेडरूम 2 वॉशरूम किचन और छोटा हॉल ग्राउंड फ्लोर पे है। इसके अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं।
फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज है आइए वो भी देखते हैं। अब हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते ही एक छोटी सी बालकनी है सीढ़ियों के बाहर। इस बालकनी में आप आराम से चाय नाश्ता कर सकते हैं और अंदर आते ही हॉल है और हॉल के अंदर ही एक अलमीरा लगी हुई है। फॉल सीलिंग जो है बहुत शानदार कर रखी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ऊपर वाला जो फ्लोर है ये डेंटल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसके अंदर भी एक किचन दी गई है, एक स्मॉल किचन आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी एक स्मॉल किचन दे रखी है जिसमें नॉर्मल कबर्ड्स और ड्रॉर्स वगैरह सब लगा दिए हैं। चिमनी की प्रोविज़न ऊपर भी दे रखी है और ऊपर वाली किचन की भी वेंटिलेशन पीछे से ही है और ऊपर वन बेडरूम और उसका ये कॉमन वॉशरूम है। ये जो हॉल आपने देखा है इसके अंदर भी बेड लग सकते हैं और बेडरूम में तो बेड लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत हैं, स्टूडेंट के हिसाब से इसको प्लान करा है। कवर्ड जो बाहर पड़ी है वो अंदर भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है और बाहर से भी इसकी एंट्री है। LED पैनल भी है यहाँ पे, फॉल सीलिंग भी है और इसके रूम के बाहर फर्स्ट फ्लोर की जो बालकोनी भी है और जो ये रूम है इसकी एंट्री बाहर से भी है। तो ये जो एंट्री इधर की इसकी बाहर से है तो सीढ़ियों से बाहर का ये रूम सीधा भी हम इसको रेंट पे दे सकते हैं। अगर हमने किचन को नहीं यूज़ करने देना किसी को तो बंदा बाहर से आएगा। इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम है और पीछे विड़ा अलग रहेगा। तो एक स्मॉल फैमिली उसके लिए ये ऊपर वाला फ्लोर काफ़ी स्पेशियस भी है और यूज़फुल भी है। ऊपर हम देखते हैं कि विड़ा भी है बाहर, ये पूरा विड़ा है। इसको आप कल को कवर करें तो वन रूम सेट ऊपर भी बन सकता है। तो ये प्रोविज़न है कि डबल स्टोरी जिसको कहते हैं, ये कंप्लीट नहीं बोलते हैं इसको, इसको डेढ़ स्टोरी भी लोग बोल देते हैं कि ऊपर कुछ विड़ा दिया हुआ है ताकि रेंटल पर्पज़ के लिए भी ये कोठी काम आ जाए। अब रविंदर जी से जानते हैं कि सर इसकी जो डिमांड है, आस्किंग प्राइस है वो क्या है? इसका आस्किंग जो डिमांड है सर वो है 52 लाख रुपीस इस कोठी की जो 100 यार्ड प्लस के ऊपर बनी हुई है, जिसके अंदर नीचे दो बेडरूम हैं, दो वॉशरूम हैं, ऊपर वन बेडरूम वन वॉशरूम किचन और एक हॉल है और पीछे विड़ा है। इसकी आस्किंग प्राइस है 52 लाख रुपीस। सेक्टर 125 में ये जो अवेलेबल है आज की डेट में। इसके आसपास 5-6 पार्क भी हैं, इसके डोर स्टेप के ऊपर ही आपको मार्केट मिल जाएगी, इसके वॉक इन डिस्टेंस पे ही आपको जो सुपरमार्केट है या यहाँ से ये करीब यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे आपको VR पंजाब मॉल मिल जाएगा, गोपाल स्वीट मिल जाएगा और यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे आपको मैक्स हॉस्पिटल या जो चंडीगढ़ है, यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे आपको चंडीगढ़ आप पहुँच जाओगे, जो 43 की लाइटों तक 10 मिनट में यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। अब क्योंकि ये फ्लाईओवर बन चुका है और मैक्सिमम ट्रैफिक जो है फ्लाईओवर से जा रहा है और बीच में कोई हॉल्ट नहीं है तो यहाँ से ट्रैवल टाइम जो है फ्लाईओवर तक का ऑलमोस्ट 5 मिनट है। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हम उस एरिए में खड़े हैं जहाँ पे फुली पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली सनी इनक्लेव की तो 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन इस एरिए की है, जिसमें ये आप मान के चलो कि 2000 एकड़ के आसपास ये सारा एरिया कवर्ड हो रखा है जिसमें फुली पॉपुलेशन है। और जो दिल्ली या गुड़गांव या बाहर से जो लोग दिख रहे हैं अगर वो यहाँ घर लेना चाहते हैं तो उनको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, कहीं हम आउटर एरिया पे तो नहीं है, तो ऐसी कोई बात यहाँ है नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है, खाने पीने से लेकर हेल्थ डॉक्टर फैसिलिटीज़ जो चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। लोग हमने पहले दिखाया शुरू में ही कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, गली पूरी बसी हुई है। तो सर इस पर बैंक लोन अवेलेबल है? बिल्कुल जी बिल्कुल, बैंक लोन बेस पे अवेलेबल है। जो लोग लोन पे लेना चाहते हैं तो उनके लिए 80% हो जाएगा 85% तक बैंक लोन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। 15% आपको देना पड़ेगा, बाकी आप अपने बैंक से जिससे भी आपका लेन देन है, जहाँ पे आपकी सैलरी आती है या आपका अकाउंट है वहाँ से बैंक से आप पेमेंट लोन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कोठी के साथ, एक नए बिल्डिंग के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।